हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जेएफजी के प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रॉब्लम देखेंगे, शो करेंगे दोनों लाइन में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। यू आर गिवन ए लिंक लिस्ट वेयर ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज ए नोड एंड हैव इंटीजर डाटा, ठीक है। वो सिंपल सी बात पता ही है हमें। यू नीड टू ऐड वन टू द नंबर फॉर्म्ड बाय कंकैटिनेटिंग ऑल द लिस्ट नोड नंबर्स टुगेदर एंड इट्स अंडर हेड ऑफ द मॉडिफाइड लिंक लिस्ट। मतलब जो भी लिंक लिस्ट पूरी है वो एक नंबर बना रही है, उसमें वन ऐड करके आपको लिंक लिस्ट की फॉर्म में ही रिटर्न करना है, ठीक है। नंबर नहीं रिटर्न करना, लिंक लिस्ट की फॉर्म में ही, मतलब लिंक लिस्ट के अंदर ही आपको मॉडिफिकेशन करनी है, ठीक है। 456 है, उसको 457 बना के लिंक लिस्ट की फॉर्म में, ये देखो 457 लिंक लिस्ट की फॉर्म में बना के आपको रिटर्न करना है। 123 या तो 124 आपको रिटर्न करना है, ठीक है जी। देखो हम क्या करते हैं, इसको व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं, ठीक है। वहाँ पर देख रहे होंगे क्या क्या अप्रोच हमारे माइंड में आ सकती है, वो क्यों नहीं चलेगी और कौन सी हमारी बेहतर अप्रोच रहने वाली है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं हमारे पास, ठीक है जी। जो एग्जांपल है ना वो है 456 ही है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ जी है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या बिल्कुल अप्रोच आ सकती है, वो ये आ सकती है कि भाई मैं क्या करूँगा, मैं ना इस नंबर को एक इंटीजर में स्टोर कर लूँगा, ठीक है। मतलब लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना शुरू करूँगा, नंबर इनिशियली क्या होगा, जीरो। जब चार आएगा तो जीरो गुणा दस प्लस चार, ठीक है, ये हो जाएगा चार। जब पाँच आएगा तो चार गुणा दस प्लस पाँच, ये हो जाएगा पैंतालीस, क्या ओके करते हैं एक बार इसको। जब छः आएगा तो पैंतालीस गुणा दस प्लस छः 456, और फिर मैं इसमें वन ऐड करके 457 ये बन जाएगा। दोबारा से इसका एक एक डिजिट क्या करूँगा, लिंक लिस्ट में पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ये अप्रोच नहीं चलने वाली है, क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि जो लिंक लिस्ट की लेंथ है ना, लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट, वो 10^5 तक हो सकती है। मतलब नंबर बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है, वो आप इंटीजर में स्टोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। और मॉडुलस वगैरह यूज़ करोगे तो नंबर की एक्चुअल वैल्यू आपकी हट जाएगी, ठीक है। तो वो काम तो हम कर नहीं सकते, ठीक है। इसका मतलब हमें जो करना है काम, वो इन प्लेस मॉडिफिकेशन करनी है, ठीक है। इन प्लेस मॉडिफिकेशन करनी है, आप देखो इन प्लेस मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास देखो इसमें एक दिक्कत जो आने वाली है, वो क्या आने वाली है कि आपको वन ऐड करना है ना, तो वो यहाँ से ऐड होने वाला है, लेकिन सिंगली लिंक लिस्ट है, ठीक है। पीछे से आगे की तरफ आप ट्रैवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। वन यहाँ पर आप सिंपल ऐड कर दोगे, ये बन जाएगा। लेकिन अगर केस कुछ ऐसा हो कि उसमें 9999 हो, कुछ ऐसा केस हो, तो आपको यहाँ पर आप वन ऐड करोगे तो ये आपका जीरो बन जाएगा, फिर आपको यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, फिर ये जीरो बन जाएगा, फिर यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा कैरी, फिर ये जीरो, फिर यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा कैरी, फिर ये जीरो, फिर यहाँ पर एक वन, ठीक है। तो इसका मतलब पीछे से आगे की तरफ आपको ट्रेवल्स करना पड़ेगा, तो वो आप सिंगली लिंक लिस्ट में डायरेक्ट नहीं कर सकते बिना उसको मॉडिफाई करे। मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है, पीछे से आगे की तरफ ट्रेवल्स करने के लिए हम उसको कर सकते हैं रिवर्स, ठीक है। इसका मतलब हमें समझ में आया कि हमें, हाँ भाई, रिवर्स तो करना पड़ेगा। चलो हमने क्या करा, 456 को उठा के क्या कर दिया भाई, रिवर्स कर दिया, ठीक है, रिवर्स कर दिया। लो जी, ये हो गया नल 56, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक अपना हेड कह लेते हैं, हेड वन कह लेते हैं, मान लो ये पॉइंट करा लिया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, वन ऐड करना है, ठीक है। अब अगर नंबर 9 नहीं है तो वन इसी में ही ऐड हो जाएगा, आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है, यहीं के ये बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या होगी कि अगर नंबर नॉट इक्वल टू 9 नहीं है, जो भी जहाँ पर भी मेरा पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो मैं सिंपल से क्या करूँगा, उसमें प्लस वन कर दूंगा, ठीक है। तो लिंक लिस्ट मेरी कैसे वन करा जाएगी, ठीक है जी। इसको दोबारा रिवर्स कर दूंगा तो ये कैसी बन जाएगी, नल, ठीक है। और इसको क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा इसका हेड को। अगर नंबर 9 है तो क्या करना है, ठीक है, रिवर्स करने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा, दो ही केस बनते हैं इसमें, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका आ गया हेड। अगर नंबर 9 है तो उसमें जब आप वन ऐड करोगे वो क्या बनेगा, जीरो। इसका मतलब नॉट इक्वल टू 9 है तो हमने सिंपल क्या करा, उसमें वन ऐड कर दिया था। अगर 9 है तो उसको क्या बनाते चलेंगे, जीरो। जब तक 9 मिलता चलेगा तब तक जीरो जीरो जीरो। फिर अगर चेक करेंगे, अगर लास्ट तक हमारी जीरो बन गई है, ठीक है, बीच में कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिला जो 9 के इक्वल ना हो, सारे ही 9 के इक्वल थे, ठीक है, तो हमें मतलब यहाँ पर एक न्यू नोड लगानी पड़ेगी वन के साथ, ठीक है। फिर इसको रिवर्स करोगे तो आपका ये फाइनल आंसर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा हमें काम क्या करना है, सबसे पहले करना है रिवर्स, फिर ऐड करना है नंबर को। इसमें दो कंडीशन बन सकती है, नोट 9 वाला नंबर एग्जिस्ट करता है या फिर ऑल 9,
ठीक है, इस केस में हमें क्या करना है, एड वन एज न्यू नोड, ठीक है ना, और बाकी सबको जीरो बना देना है। फिर लास्ट में क्या करना है, दोबारे रिवर्स करके उसको रिटर्न कर देना, ठीक है। तो सिंपल सा ये काम करेंगे, टाइम और स्पेस का लगेगा इसका, ठीक है। टाइम और स्पेस एक बार डिस्कस कर लेते हैं, सिर्फ लिंक लिस्ट को ही ट्रैवर्स कर रहे होंगे, दो तीन बार ट्रैवर्स होगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, तो ऑफ एन टाइम लगने वाला है। स्पेस का लगेगा, कोई यूज नहीं करेंगे ऑफ एन, ठीक है, दो चार वेरिएबल यूज करेंगे उसको छोड़ सकते हैं। अभी चलते हैं, करते हैं इसको सी प्लस प्लस और जावा में कोड, ठीक है। सबसे पहले तो हमें हमारे पास जो भी हैड आ रहा है, ठीक है, जो भी लिंक लिस्ट का हेड आ रहा है, उससे जो भी हमारे पास लिंक लिस्ट बन रही है उसको करना है रिवर्स, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, रिवर्स वाली लिंक लिस्ट की एक अलग से वीडियो, ठीक है, छोटी सी, आप कहीं भी देख सकते हो, ठीक है, वैसे इससे भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक तो करंट नोड, ठीक है, नोड बना रहे हैं यहाँ पर पॉइंटर के साथ, करंट नोड हेड, ठीक है, नेक्स्ट नोड हेड की नेक्स्ट, प्रीवियस नोड अभी के लिए नल, ठीक है। जब तक करंट नोड नल नहीं होती तब तक क्या करना है, नेक्स्ट नोड क्या हो जाएगी, करंट का नेक्स्ट, फिर करंट का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो भी प्रीवियस है, प्रीवियस है वो, अब जो करंट है वो अगली के लिए क्या बन जाएगी, प्रीवियस, ठीक है, और करंट को बढ़ा दो एक आके जो कि हमने नेक्स्ट में स्टोर कर लिया है। इसके बाद हमारे पास हो जाएगी लिंक लिस्ट रिवर्स, और रिवर्स का जो हेड है वो मेरे पास स्टोर होगा प्रीवियस में, क्योंकि करंट तो जब नल होगा तब हम लूप से बाहर आएंगे, ठीक है। करंट नल होगा इसका मतलब करंट से जो पिछली नोड है वो कौन सी होगी, मेरी एज ए हेड अपडेटेड लिंक लिस्ट का, तो मतलब प्रीवियस नोड मेरी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक और लास्ट हेड करके कि लास्ट से जो भी मेरे पास हेड है, ठीक है, वो मेरे पास अब क्या है, प्रीवियस के अंदर, ठीक है। अब मेरे को प्रीवियस से ट्रैवल्स करना शुरू करना है जब तक प्रीवियस मेरा नल नहीं होता। इफ प्रीवियस का डाटा इज नॉट इक्वल टू है 9, तो उसमें हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं 1, ठीक है, ब्रेक मार के आ जाओ बाहर, उसके बाद तो हमें कुछ करना ही नहीं, 1 ऐड हो चुका है। वरना अगर आपको सारे 9 मिलते रहते हैं, जब तक 9 मिलते रहते हैं, तो प्रीवियस का डाटा मतलब उस नोड का डाटा 0 बनाते रहो और आगे आगे चलते रहो, ठीक है। अब देखो जी, वापिस आ जाते हैं एग्जांपल्स पे, इस केस की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप प्रीवियस आपका यहाँ से शुरू हुआ, आपको वो मिला 9, ठीक है, मतलब इफ तो नहीं चलेगी, एल्स आप 0 करते चले गए, आगे आते गए आप आगे नल पर, आप आगे लूप से बाहर। इसका मतलब एक्चुअल में अभी तक कहीं भी 1 ऐड नहीं हुआ है, ये वाली इफ तो कभी आपकी चली नहीं, क्योंकि ये इफ अगर आपकी चलेगी तो आप ब्रेक मारकर बाहर आओगे, आपका प्रीवियस नल नहीं होगा। अगर आप प्रीवियस नल के कारण बाहर आ रहे हो तो इसका मतलब आपकी ये इफ कभी नहीं चल रही, सिर्फ आपने 0 0 बनाया है, अभी तक 1 ऐड नहीं करा। इसका मतलब हमें यहाँ पर ना एक इंडिकेशन मिल जाएगी, अगर प्रीवियस नल है इसका मतलब सारी नोड मेरी 0 बनी है, मेरे को एक न्यू नोड ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, न्यू नोड 1, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर ऐड की है वो ऐड करनी पड़ेगी। अब वो कहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, ये जो नोड है इसके नेक्स्ट में, सिंपल सी बात, ठीक है। अब ये नोड कौन सी थी, अगर आप देखो स्टार्टिंग से लिंक लिस्ट में ये नोड कौन सी थी जो हमें इनिशियली हेड मिला था, ठीक है, तो हमें क्या कर देना है, हेड के नेक्स्ट में क्या लगा देना है, न्यू नोड विद वैल्यू 1, बिल्कुल सिंपल सी बात। अब हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, लास्ट हेड हमारे पास पड़ा हुआ है, मतलब ये यहाँ से लेके शुरू तक की दोबारे रिवर्स कर देनी है, ठीक है। तो रिवर्स का कोड यहाँ से इसको ही उठा लो, इसको करो कॉपी, इसको करो यहाँ से पेस्ट, लेकिन अब हमें हेड से रिवर्स नहीं करनी, हमें रिवर्स किससे करनी है, लास्ट हेड से, ठीक है, क्योंकि हमारी रिवर्स ऑलरेडी हो चुकी थी, तो लास्ट हेड से दोबारा हमें क्या कर देना है भाई, रिवर्स वाला प्रोग्राम शुरू कर देना है, ठीक है। इसको मारो एंटर, ये नोड हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, तो दोबारा इनको बनाने की जरूरत अपने पास नहीं है, ठीक है, जब तक, ठीक है। अब रिटर्न यहाँ से क्या करोगे, प्रीवियस की रिटर्न करोगे, जब भी आप रिवर्स करोगे तो आपका जो भी अपडेटेड हेड है वो प्रीवियस के अंदर स्टोर होगा, क्योंकि करंट नल के कारण आप बाहर आओगे। करंट नल होने का मतलब करंट प्रीवियस से एक नोड आगे होगी, तो करंट से पिछले वाली नोड कौन सी होगी, हेड नोड, ठीक है। एक बार अब इसको क्या करते हैं, रन करके देखते हैं, कोई एरर आएगा तो ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है, सही चल रहा है। एक बार करते हैं इसको सबमिट, अगर ये सबमिट होता है तो
सेम पैटर्न मैंने जावा कोड लिखा हुआ है, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वो समय चलते हैं जावा कोड की तरफ। यहाँ पर भी सेम काम, करंट नोड, नेक्स्ट नोड, प्रीवियस नोड रिवर्स कर लिया जी इनिशियली, ठीक है। रिवर्स करने के बाद ये कंडीशन बनकर आ गई, ठीक है, ये वाली कंडीशन बनकर आ गई। उसके बाद क्या करा, वन ऐड करा, अगर कोई ऐसा मिलता है जो नो के इक्वल नहीं है तो डायरेक्ट उसमें वन ऐड करके ब्रेक मार के बाहर आ गए, वरना जब तक नो मिल रहा है तब तक उसको जीरो बनाते चले गए। बाहर आकर चेक करा, अगर सारी ही जीरो थी तो हमारा प्रीवियस नल होगा, प्रीवियस नल है तो एक न्यू नोड ऐड कर दी वन, बिल्कुल सिंपल सी, ठीक है। उसके बाद अब ये जो लिंक लिस्ट बनकर आई है इसको क्या कर दिया, इसको कर दिया रिवर्स, ठीक है, इसको दोबारा रिवर्स कर दिया और प्रीवियस को रिटर्न कर दिया। प्रीवियस क्या होगा, अपडेटेड हेड, ठीक है। एक बार अब इसको भी आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ, उनका दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।